हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, जो वाइल फिल्टर, वाइल पैन, वाइल शंप जो होते हैं, फिर वाइल पंप जो होते हैं, फिर वाइल फिल्टर जो होते हैं ना, तो इन सभी पार्ट्सों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए, पिछले वीडियो में हम पूरे सिस्टम के बारे में समझे थे कि लुब्रिकेशन सिस्टम ने इंजन वाइल कैसे हर मूविंग पार्ट्स पे कैसे वो लुब्रिकेट करता है। ठीक है, कैसे किस तरह से स्ट्रेनर से कहाँ आता है, वाइल पंप शक करता है इंजन वाइल को वाइल सम से, ठीक है, और स्ट्रेनर से होके वाइल पंप पे आता है, वाइल पंप खींच के कहाँ देता है, तो वाइल फिल्टर को, फिर फिल्टर वाइल फिल्टर क्या करता है, उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करके इंजन के जितने वाइल गैलरी में भेजता है। ठीक है, इंजन वाइल को वाइल गैलरी से हर एक पॉइंट पे जितने भी इंजन के जो मूविंग पार्ट्स हैं, हर मूविंग पार्ट्स पे वो इंजन वाइल लुब्रिकेट करता है और फ्लो करता है, जाता है वहां तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझेंगे और देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे भी, हम वर्कशॉप में जाके हम देखेंगे भी उस पार्ट्स को। ठीक है, तो आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ व्हीकल, मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम में जो पार्ट्स होता है वो कौन कौन सा है, वाइल पंप, वाइल शंप, ये जिसको हम वाइल पैन भी बोलते हैं, दूसरा होता है स्ट्रेनर, स्ट्रेनर, ठीक है, तीसरा होता है वाइल फिल्टर, और चौथा वाइल पंप भी होता है, वो छोड़, वाइल वाइल पंप। ठीक है, ये चार पार्ट्स है अपना लुब्रिकेशन सिस्टम में। ठीक है, मोटर व्हीकल इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में ये चार पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है जो लुब्रिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। पहला वाइल सब, जिसको हम वाइल पैन भी बोलते हैं, दूसरा स्ट्रेनर, तीसरा होता है वाइल फिल्टर, चौथा वाइल पंप। ठीक है, तो आइए समझते हैं अलग अलग पार्ट्स को देख के, प्रैक्टिकली वर्कशॉप में जाके भी देखेंगे। अभी हम आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हर पार्ट्स के बारे में। ठीक है, इन सारे पार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और हम लोग गाड़ी के पास चलेंगे, हम लोग वर्कशॉप में चलेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे उस पार्ट्स के बारे में और समझेंगे भी आज के इस वीडियो में। इसलिए आप बने रहिए और आप देखते रहिए इस वीडियो को। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले आ जाइए, पहला क्या, वाइल शंप, वाइल पैन। ठीक है, तो आइए देखिए, अपना जो जितने भी व्हीकल्स है, जो मोटर व्हीकल है, उस व्हीकल में वाइल शंप का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से ही ये वाइल शंप होता है। ठीक है, इस पे जो वाइल शंप के नीचे ये जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ड्रेन प्लग। ये क्या है, ड्रेन प्लग। ठीक है, ये नट होता है ड्रेन प्लग। ठीक है, जिसे अगर कभी भी व्हीकल का अगर सर्विस करना होता है, कहीं भी वर्कशॉप में आप सर्विस के लिए गए भी होइएगा फोर व्हीलर को, अपना फोर व्हीलर को लेके, ठीक है, तो ये वाइल शंप जो है ना, वाइल शंप में क्या रहता है, इंजन वाइल स्टोर रहता है। तो सर्विस का टाइम पे क्या होता है कि इंजन वाइल को जो अगर नीचे ड्रेन करते हैं, है ना, तो इसी नट को खोल के इंजन वाइल को ड्रेन किया जाता है। ठीक है, निकाला जाता है और ऊपर से इंजन वाइल का जो होता है ना, इंजन ऑयल के जो अति वो ब्रीदर कैप, वहां से फिर हम उसको इंजन ऑयल को डालते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स ये वाइल शंप है, इसके इस पार्ट्स को बोलते हैं हम ड्रेन प्लग। ठीक, और इस ड्रेन प्लग के अंदर एक वॉशर यूज होता है, जिस वॉशर को बोलते हैं हम ड्रेन प्लग वॉशर। ठीक, पहले ये नट में जो प्लग, ड्रेन प्लग जो होता है ना, उस ड्रेन प्लग के अंदर में हम वॉशर, ड्रेन प्लग वॉशर भी यूज करते हैं। ठीक है, वॉशर से इसको टाइट करते हैं, ये ड्रेन प्लग है। और ये पूरा फिंगर किस चीज का है, तो वाइल शंप का है, क्लियर है। इसी वाइल शंप के अंदर ये जो इस भाग में पूरा भरा हुआ रहता है, क्या भरा रहता है, तो वाइल, क्या, कौन सा वाइल, तो इंजन वाइल, इंजन वाइल, जिसको हम लोग बोल चाल में क्या बोलते हैं, मोबिल बोलते हैं, एक्चुअली ये टेक्निकल वर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं हम, इंजन वाइल। इसी वाइल सम के अंदर क्या भरा रहता है, इंजन वाइल, दैट मींस इसमें इंजन वाइल स्टोर किया रहता है, इसमें भरा हुआ रहता है। ठीक है, यही है फिगर वाइल सम का। तो फ्रेंड चलिए वर्कशॉप चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि वाइल सम कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये यही हमारा होता है वाइल सैम, यही है वाइल सम, जिसको वाइल पैन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी वाइल सम के अंदर क्या रहता है, स्ट्रेनर रहता है और वाइल पंप रहता है। ठीक है, ये वाइल सम्प है जिसके अंदर क्या रहता है, इंजन ऑयल भी स्टोर करके रहता है। इसी के अंदर क्या रहता है, इंजन ऑयल भी स्टोर रहता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ड्रेन प्लग। इस ड्रेन प्लग को खोल के इंजन ऑयल को ड्रेन किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो यही है ऑयल सम्प, जिसको ऑयल चैम्बर भी बोलते हैं, ऑयल पैन भी बोलते हैं, जिस ऑयल सम के अंदर क्या रहता है, इंजन ऑयल स्टोर रहता है। ठीक है, और ऑयल सम के अंदर क्या होता है, क्या रहता है ऑयल सम के अंदर, स्ट्रेनर रहता है, ऑयल पंप रहता है। ठीक है, और ये है ऑयल फिल्टर, ये जो देख रहे हैं ये है ऑयल फिल्टर। ठीक है, ऑयल फिल्टर का काम क्या है कि इंजन ऑयल को फिल्टर करके इंजन तक भेजने का काम करता है ये। ठीक है, ये फिल्टर करता है, इंजन ऑयल को फिल्टर करता है। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप देखें ऑयल सम्प को कि ऑयल सम्प किस तरह से होता है अभी इस वीडियो में। तो अब चलिए देखने के लिए क्या चीज, तो स्ट्रेनर और ऑयल पंप को देखते हैं। सेकंड क्या होता है, स्ट्रेनर और ये ऑयल पंप, ये स्ट्रेनर और ऑयल पंप को अब हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए, स्ट्रेनर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेनर जो होता है इस पे ये नेट जैसा बना रहता है, होल रहता है। ठीक है, यहीं से इंजन ऑयल को ऑयल पंप खींचता है। ऑयल पंप क्या करता है, इंजन ऑयल को ऑयल सम से इंजन को खींचता है, और इस रास्ते से होके स्टेनर होके इंजन ऑयल खींच के क्या करता है, वो ऑयल फिल्टर को देता है, वो ऑयल पंप। ठीक है, इंजन का जो ऑयल पंप है वो खींचता है, सक करता है ऑयल पैन से, किससे शक होता है, तो स्टेनर के होल से ही वो खींच के ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो स्टेनर का फिगर डायग्राम कुछ इस तरह से है। और अब चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रैक्टिकली, है ना, ले चलते हैं आपको वर्कशॉप और दिखाते हैं आपको स्टेनर को और ऑयल पंप को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्टेनर और ऑयल पंप। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपके सामने जो है ये है ऑयल पंप, क्या बोलते हैं, ये ऑयल पंप है। ठीक है, और ये है अपना ये स्टेनर। ठीक, अब आप आइए एक एक करके समझते हैं, थोड़ा और नज़दीक यही दिखना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो देख रहे हैं इसको हम ऑयल पंप बोलते हैं। ठीक है, और ऑयल पंप का जो ये जो होल है इससे क्या, क्रैंक शाफ्ट का कनेक्शन रहता है। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट जैसे ही रोटेट करता है तो ऑयल पंप भी मूव करता है, ये रोटेट करता है। ठीक है, जो दिख रहा है ना, रोटेट करता है, इसी रोटेशन क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन के साथ ऑयल पंप भी रोटेट करता है। ठीक, और ये नीचे वाला जो होल है ना, यहाँ से इंजन ऑयल को शक करता है, खींचता है, और खींच के फिर ये जो होल दिख रहा है यहाँ से पास करता है, कहाँ, तो ऑयल गैलरी में, और ऑयल गैलरी से होके इंजन के सारे मूविंग पार्ट्स पे वो सर्कुलेट करते रहता है, लुब्रिकेट करता है। ठीक है, इसी यही है अपना ऑयल पंप है। ठीक, और ये देखिए ये स्टेनर है जो कि ऑयल पैन में ऑयल शम के अंदर में रहता है, यही स्टेनर। ठीक है, तो ऑयल चैम्बर जिसको हम ऑयल चैम्बर भी बोलते हैं, ऑयल शम के अंदर जो स्टेनर रहता है, तो जैसे ही इंजन को जब हम स्टार्ट करते हैं, व्हीकल को, मोटर व्हीकल को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, सर्कुलेशन चालू हो जाता है, ऑयल पंप अपना रोटेट करता है, और ये ऑयल पंप जैसे ही रोटेट करता है तो स्टेनर से होके इंजन ऑयल इसी होल से होके खींचता है ऊपर। ठीक है, तो जो भी इंजन ऑयल में, जो भी ऑयल सब में अगर कुछ पार्टिकल्स वगैरह जो भी रहते हैं, डस्ट वस्ट, वो फिल्टर करके यहाँ से सक करके खींच के इस होल से जाता है इंजन ऑयल कहाँ, तो अपना ऑयल पंप से सर्कुलेट होता है। क्रैंक शाफ्ट जैसे ही सर्कुलेट करेगा तो ये ऑयल पंप भी सर्कुलेट करेगा। ठीक है, और ये ऑयल को खींच के यहाँ से फिर किसको देता है, तो ऑयल फिल्टर को। और ऑयल फिल्टर का काम क्या है जानते ही आप, ऑयल फिल्टर डैट मीन्स इंजन ऑयल को फिल्टर करना, ऑयल फिल्टर नाम से ही क्लियर है, फिल्टर मतलब कि फिल्टर करना, ऑयल को फिल्टर करना, ऑयल डैट मीन्स इंजन ऑयल को फिल्टर करना। ठीक है, और वो इंजन ऑयल फिल्टर करके फिर कहाँ जाती है इंजन ऑयल, तो ऑयल गैलरी में,
और ऑयल गैलरी से होके टाइमिंग गियर से होके वो सारे पॉइंट्स पे क्रैंकशाफ्ट के जो होल होते हैं ना, जो जिसको वॉइल पैसेस वे बोलते हैं, उस वॉइल पैसेस वे से सभी पार्ट्स पे क्रैंक्स वो कनेक्टिंग रॉड का सीआर बेयरिंग कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग को लुब्रिकेट करता है और पूरे पार्ट्स पे रोकर शाफ्ट तक इंजन वॉइल जाती है, ठीक है। और सारे इंजन जो मोटर व्हीकल इंजन को वो क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है ये क्या है, ये वॉइल पंप है, दिस इज वॉइल पंप, क्लियर है। ये वॉइल पंप कहाँ होता है, तो वॉइल पैन में, डेट मीन्स वॉइल शंप में, जिसमें इंजन वॉइल स्टोर करके रखते हैं हम, ठीक है इंजन। और यहाँ से जैसे इंजन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, क्रैंक्स आप रोटेट होता है, रोटेशनल डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। और पिस्टन अपना रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट जैसे ही रोटेशनल डायरेक्शन में मूव करता है, तो क्रैंक शाफ्ट के पुली के साथ, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है ये वॉइल पंप, और उसके साथ ये भी मूव करता है, ठीक है। और ये जो मूव करता है तो क्या होता है कि वॉइल पंप इंजन वॉइल को खींचता है नीचे के लेवल से, डैट मीन्स वॉइल सम से इंजन वॉइल खींच के ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यही वॉइल पंप इस होल से इंजन वॉइल अंदर इन करता है और फिर यहाँ से आउट करता है इंजन वॉइल, ठीक है। और वहाँ से फिर वॉइल फिल्टर पे जाता है, वॉइल फिल्टर से पूरे इंजन के जितने भी मूविंग पार्ट्स है सारे मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। और ये काम होता है अपना वॉइल पंप का, ठीक है। और ये जो दिखा रहे हैं यही हमारा स्ट्रेनर है, जो स्ट्रेनर इंजन स्टार्ट होने के बाद वॉइल पंप भी सर्कुलेट करता है, रोटेट करता है। रोटेट करते ही ये इस एस्टेनर से क्या होता है, इस होल से सीधे खींच के फिर इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं, वॉइल फिल्टर वगैरह मूविंग पार्ट्स को वो लुब्रिकेट करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, आप स्टेनर और वॉइल पंप को तो कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब फ्रेंड्स, अब चलिए आपको हम ले चलते हैं वॉइल फिल्टर को दिखाते हैं, ठीक है। वॉइल फिल्टर को देखने के लिए लाइव प्रैक्टिकली देखने से पहले हम लोग बोर्ड पर ड्राइंग से समझते हैं कि वो कैसा होता है वॉइल फिल्टर, ठीक है। तो ये देखिए, ये तीसरे नंबर पर क्या है, वॉइल फिल्टर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप वॉइल फिल्टर कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है। वॉइल फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर डेट मीन्स फिल्टर करना, फिल्ट्राइशन करना, फिल्टर करना, किस चीज को फिल्टर करना, तो इंजन वॉइल को फिल्टर करता है, ठीक है, वॉइल फिल्टर। अब क्या है कि वॉइल फिल्टर के जो ऊपर में जो होता है, ये बड़ा ये जो होल देख रहे हैं, इसी में एक पाइप के अंदर से वॉइल फिल्टर फिट किया जाता है, ठीक है। यहां से इंजन वॉइल फिल्टर के अंदर आती है और ये जो चारों ओर जो देख रहे हैं होल, इससे अंदर जाती है इंजन वॉइल, ठीक है। अब अंदर आके पूरा इंजन वॉइल फिल्टर होता है। अब फिल्टर होके इस ये जो चारों ओर होल है उस होल से पास करता है, फिल्टर होके पास करता है, ठीक है। ये अपना वॉइल फिल्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वॉइल फिल्टर को कैसा होता है, प्रैक्टिकली जाके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वॉइल फिल्टर को। हेलो फ्रेंड्स, तो यही है हमारा वॉइल फिल्टर, ठीक है। वॉइल फिल्टर के बारे में जानते हैं, ये इसको बोलते हैं वॉइल फिल्टर। और वॉइल फिल्टर का काम क्या है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, वॉइल फिल्टर, फिल्टर डैट मीन्स फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करना, और वॉइल डैट मीन्स इंजन वॉइल, डैट मीन्स इंजन वॉइल को फिल्टर करने का काम हमारा यही वॉइल फिल्टर करता है, ठीक है फ्रेंड। वॉइल शंप जो होता है, वॉइल शंप में क्या होता है, स्टेनर होता है, इंजन वॉइल स्टेनर से फिल्टर होके कहाँ आता है, वॉइल पंप खींच के इंजन वॉइल को कहाँ भेजता है, तो वॉइल फिल्टर के पास, ठीक है। तो इस वॉइल फिल्टर के बारे में हम जानते हैं, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो वॉइल फिल्टर का जो ये जो होल जो देख रहे हैं, इसमें थ्रीट बना रहता है, जो पाइप से टाइट किया जाता है, इस तरह से टाइट किया जाता है वॉइल फिल्टर को, ठीक है। और इंजन वॉइल इस होल के अंदर आता है, अंदर जाती है, ठीक है, वॉइल फिल्टर वॉइल इंजन वॉइल, और अंदर जाके फिल्टर होके इस ये जो चारों ओर जो होल देख रहे हैं, इस होल से वो बाहर निकलता है, और बाहर निकल के कहाँ जाती है, इंजन के मूविंग पार्ट्स में, और इंजन के मूविंग पार्ट्स में जाके इंजन के जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उसके फ्रिक्शन को कम करता है, डैट मीन्स लुब्रिकेट करता है, ठीक है। तो इस होल से इंजन वॉइल अंदर जाती है फिल्टर में, और अब फिल्टर क्या करता है, उस इंजन वॉइल को फिल्ट्रेशन करती है, फिल्टर करती है, ये अंदर में कुछ इस तरह से बना हुआ है वो अंदर से वो फिल्टर करके और बाहर निकलता है इंजन वॉइल इस रास्ते से बाहर निकल के इंजन के मूविंग पार्ट्स में वो इंजन वॉइल चली जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा वॉइल फिल्टर है। तो
तो देखिए, ठीक है फ्रेंड, दिस इज वाइल फिल्टर। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आप वाइल सम को देखे, वाइल फिल्टर को देखे, स्टेनर, वाइल पंप, जितने भी लुब्रिकेशन सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं उन सभी को आप इस वीडियो में देखें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।